अंकित गुप्ता और प्रियंका अपने आप को बचाने के लिए और अंकित को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात अर्चना जो है अपने रूम नंबर 6 में बोलती हुई नजर आई है सौंदर्य और गौतम के सामने। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा मैटर, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि यहाँ पर ये गेम ही ऐसी है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई भी दाव अगर किसी को खेलना पड़े तो वो दाव जो है कोई भी इंसान खेल सकता है। अगर यहाँ पर अर्चना होती तो अगर वो भी कोई दाव अपने अपने आप को बचाने के लिए खेलती तो लोग जो है उसको अप्रिशिएट जरूर करते, पर यहां पर अर्चना को जो है ये सब चीजें गवारा नहीं है। जहां पर अर्चना जो है रूम नंबर 6 में बैठी है सौंदर्य और गौतम से बात कर रही है, जहां पर अर्चना बोलती है कि ये प्रियंका जो है ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब जो है वो जो गैंग है ना उस गैंग में जो है वो जा चुकी है। अभी वो लोग 8 लोग नहीं है, 10 लोग है। जहां पर गौतम बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमारे साथ ही है, वो ऐसा उस गैंग में गई नहीं है, वो किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है। जहां पर सौंदर्या जो है काफी गुस्से में गौतम को बोलती है, हाँ देख इसको सब चीजें पता है, इसको तो उसकी तरफदारी करनी है ना, जब साफ चीजें दिख भी रही है फिर भी इसको उसकी तरफदारी करनी है। जहां पर गौतम जो है वो चुप हो जाती हैं और अर्चना फिर बोलने लग जाती है कि इसको लगता है प्रियंका को कि भाई उसमें चली जाएगी तो वहां पर लोग ज्यादा है तो लोग जो है इसको नॉमिनेट नहीं करेंगे, इसको बचा लेंगे, अंकित को नॉमिनेट नहीं करेंगे और वहां पर लड़के वड़के भी ज्यादा है, अगर कोई टास्क वास्क आया तो उनकी हेल्प में जो है ये आगे बढ़ जाएगी और नॉमिनेशन से डरती है, इसीलिए जो है उनकी गैंग में जाके बैठ गई है और अब ये सब चीजें कर रही है। ये बात जो है अर्चना कहती हुई नजर आ रही है और ये भी बात उन्होंने बोली है कि भाई ये अपने आप को और अंकित को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब आप बताइए ये पूरी अपडेट से जुड़े हुए आपके क्या विचार है, क्या प्रियंका या किसी को भी किसी भी हद तक जाना नहीं चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।